यह है टिकट काउंटर जहां से हमें मक्का क्लॉक टावर में जाने का टिकट खरीदना है। मैं एक दिन पहले यहां पर आके सारी चीजें कंफर्म कर गया था, मुझे कहां आना है, कहां से जाना है। 2 और 2:30 बजे के बीच में जोहर के बाद ये काउंटर खुलता है। Tell me, what is the difference between the two tickets? Okay, VIP ticket, including tour guide, discipline, all museum. ये सब बहुत खुश मिजाज लोग यहाँ आपको मिलेंगे, इंग्लिश बोलने वाले भी, उर्दू बोलने वाले भी, मल्टी लैंग्वेज लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे, आराम से हर चीज़ समझाएंगे। यहाँ पर टिकट्स की 2 किस्में हैं, एक किस्म है नॉर्मल टिकट, एक किस्म है VIP टिकट। तो VIP टिकट में जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि आपको 2 लाउंजेस की एंट्रीज मिलेंगी। एक लाउंज है 9th फ्लोर पर जहाँ इसकी रिसेप्शन है, वहाँ आपका टिकट वगैरह चेक होगा, आपको एक पास मिल जाएगा जो आपको गले में पहनना होगा, उसके ऊपर मेंशन होगा VIP पास, और आपको एक लाउंज में ले जाया जाएगा। दूसरी बात, इस टिकट में मेन बात एडिशनल ये है कि आपको एक लाइफ गार्ड मिलेगा जो आपको आपकी लैंग्वेज में पूरे म्यूजियम के चारों फ्लोर समझाएगा, एक एक स्टेप आपको बताता चलेगा आपकी अपनी जबान में। अगर आप VIP टिकट लेते हैं तो, अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हैं तो आपको एक डिवाइस मिल जाएगी वो आपकी जबान में, वो भी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। यहाँ से टिकट लेने के बाद आपको आगे जाना होगा लिफ्ट्स की तरफ, जहाँ पीछे मूव एंड पिक होटल में जाने के लिए, जमजम होटल में जाने के लिए लिफ्ट्स हैं, वहीं 2 लिफ्ट्स डेडिकेटेड हैं जो सिर्फ म्यूजियम में जाने वाले लोग यूज़ करते हैं। उनके ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है ब्लैक कलर की और लिखा हुआ है क्लॉक टावर म्यूजियम। ये जो टाइल्स लगे हुए हैं गोल्डन, ये दरअसल सोने के ही टाइल्स हैं जिनको सैंडविच बनाया गया है। इसके ऊपर और नीचे शीशा है और बीच में गोल्ड की एक परत है, यानी गोल्डन मोजैक बनाए हुए हैं, मोजैक टाइल्स। तो ये सब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं इस इन्फॉर्मेशन को जितनी देर तक हो सका कैप्चर कर पाया, और क्योंकि ये 1.5 घंटे की वीडियो है तो इसलिए मैं ज़ाहिर है 1.5 घंटे तक तो खड़ा रहकर शूट नहीं कर सकता था, फिर भी जहाँ तक मुमकिन हुआ मैंने इसको शूट किया। पॉइंट पे हल्की सी चेकिंग के बाद हम अब आगे बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? अभी हम लोग थे 9th फ्लोर पे, अब जाएंगे फौरन डायरेक्ट 90th फ्लोर में। 90th फ्लोर पे फ्लोर्स लिखा हुआ है? जी लिखा है। माय गॉड, इनका नाम हनी है जो मेरे साथ हैं, बहुत ही नर्म मिजाज आदमी है, बहुत खूबसूरत अंदाज इनको बोलने का, और ये मुझे अब ऊपर लेकर जा रहे हैं 90th फ्लोर पे, 90वें फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं। और इन्होंने कहा हम कहाँ निकलेंगे वो एक सरप्राइज है, मेरे कान हाइट की वजह से बंद होने लगे हल्के हल्के।
आज तक क्लॉक टावर बहुत देखा था, दूर दूर से नज़र आता था, लेकिन आज उसके ऊपर जाने का अल्लाह ने मौका दिया। और ये जो है 90th फ्लोर पे आ गए हम लोग जी। अब हमारे यहाँ म्यूजियम शुरू होता है 90 फ्लोर से। पिक्चर है ना आसमान की जी, ये मक्के की आसमान की पिक्चर है, ये असली पिक्चर है। असली पिक्चर है, एक हाँ। जगह है इधर, उसका नाम है तबूक। ओके, तबूक से ये पिक्चर ली गई है। इधर एक पहाड़ है, उसका नाम है जबल लोज। ओके, वो जो पहाड़ है उसकी हाइट है तकरीबन 2850 मीटर। उधर से ये तस्वीर ली गई है, इसके अंदर पता चला जबली के 3000 स्टार। सरप्राइज़ ये है कि अभी हम लोग कांटे के अंदर हैं, मशीन जो है बिल्कुल हमारे सामने है। ये जो सिद्धार्थ, ये असल मशीन है जो बाहर इस टाइम घड़ी पर जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा घड़ियों के ऊपर। ये मशीन जो है हमारी, जो घड़ी की जो है, ये मेड इन जर्मनी है। ओके, और बाहर से जो डिज़ाइन है वो स्विट्ज़रलैंड है। और ये जो टायर की तरह जो बना हुआ है, ये टर्स को कहते हैं, ये मिनट का है। और जो सीधे हाथ की तरह ये जो गरारी है जी बिल्कुल, ये मिनट्स की है। ये गियर आवर्स का है, ये आवरली घूमता है। और वो जो अभी मैंने आपको दिखाई वो मिनट्स की, ये देखें, ये 15 सेकंड्स तक आगे बढ़ता रहेगा। इस वक्त आप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लॉक टावर की घड़ी की मशीन देख रहे हैं। और ये जो पाइप लगे हुए हैं सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ, कौन से पाइप? ये जो सीधे हाथ की तरफ है। अच्छा, ये मोटे वाले पाइप जी बिल्कुल, ये पाइप। अगर कांटे में कुछ खुदाना खासा कोई मसला होया तो जो इंजीनियर हैं और जो काम करते हैं इधर, इस पाइप के अंदर से ना कांटे की तरफ। ओह माय गॉड, ये बाहर जाने का रास्ता है जी। ये जो पाइप्स हैं इसके अंदर से टेक्नीशियन बाहर क्लॉक के ऊपर जाते हैं और वहाँ जो कोई रिपेयरिंग का जॉब होता है उसको कंप्लीट करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर्कल जो है ये खुलता है तो पाइप अंदर घुसता है। ओके, ये जो सर्कल है ये गेट है, ये खुल जाता है और ये पाइप घूमकर इसके अंदर चला जाता है और फिर इंजीनियर्स अपनी सेफ्टी के साथ वहाँ जाकर काम करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आप लोग देख रहे हैं छोटी छोटी लाइटें हैं जी 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 जी, नजर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो है तकरीबन 1,00,000 लाइट है एक साइड में। हमारी जो घड़ी है खाली एक घड़ी नहीं है, उसको चार है बस जी, चार घड़ी। सही बात है, तो 1,00,000 से ज़्यादा LEDs हैं जी बिल्कुल। बाकी और इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम लोग जब नीचे उतरेंगे जी फर्स्ट फ्लोर में, घड़ी के फ्लोर में इंशाल्लाह उधर से लेंगे। ये इसका पूरा व्यू है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लॉक टावर की ये मशीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इसको देखने का मौका मिला। सारी एग्जीबिशन से होते हुए अब हम लास्ट में यहाँ पर आए हैं। नो वर्ड्स, ये कुछ ऐसा है कि बयान से बाहर। सुभान अल्लाह,
मैं इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सबसे ऊंचे क्लॉक टावर पे खड़ा हूँ जो है मक्का शरीफ में, और ये मेरे पीछे आप वो क्लॉक देख सकते हैं, ये है मक्का क्लॉक टावर की क्लॉक। इसके कुछ ही नीचे तक आने की इजाज़त है, यहाँ तक एक्सेस है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ इस वक्त। और ये मेरे पीछे है हरम शरीफ काबा। यहाँ तक आने के लिए दो तरह के टिकट्स हैं, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, एक 150 रियाल, एक 300 रियाल। 150 रियाल वाले में एक डिवाइस मिलती है और उसी के अंदर सारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और आप एक बार ऊपर आने के बाद, नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर नहीं आ सकते। और जो 300 रियाल वाला टिकट है उसमें मल्टीपल टाइम्स आप ऊपर नीचे हो सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। दोनों ही टिकट्स में आप एक बार ऊपर आने के बाद जितना चाहें उतना यहाँ पर रुक सकते हैं। कई फ्लोर्स हैं एग्जीबिशन के, आके आखिर में ये क्लॉक टावर है जो मेन व्यूइंग डेक है इसका। ये शाहरा इब्राहिम अल खलील जो शाहरा से 3 को मिल जाती है जाकर मक्के आने के लिए मेन एंट्री है। यहीं से ज़्यादातर हाजियों की जो गाड़ियां हैं वो आती हैं, बसेस हों या टैक्सीज हों। मेन मक्के में एंट्री की यही सड़क है, और इस पर इस वक्त देखिए नमाज की वजह से क्योंकि ट्रैफिक रोक दिया जाता है तो सारी गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आ रही हैं वाइट कलर की आपको। हाँ, वो सामने जबल नूर, यहाँ मैंने अपने GoPro को सनसेट के लिए टाइम लैप्स पे लगाया हुआ है। मैं जो कुछ भी आज देख रहा हूँ वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, शायद इन वीडियोस के ज़रिए आप लोगों तक वो एहसास पहुँच सके जो मुझे यहाँ हो रहा है। सो फाइनली नमाज का वक्त हो गया है, अजान हो चुकी है।
कहते हैं कि इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है। मैंने आज दोपहर से लेकर रात तक जो बदलते मनाजिर देखे वो अल्फाज की पहुंच से बालातर हैं, या यूं कह लें कि मेरे लिए उनको लफ्जों में बयान करना मुमकिन ही नहीं। मैं अपने कैमरे के जरिए जो कुछ दिखा सका मैंने कोशिश की। यहाँ मैंने नूर के चश्मे महसूस किए, जलाली हवाओं को सुना, सूरज को पूरी आबोताब के साथ अपने रब की मातहती में मसरूफ देखा। मैंने इस बुलंदी पे असर, मगरिब और ईशा की नमाज अदा की। एक शाम में अनगिनत गुजरते रंग देखे। मैंने जबल नूर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का गवाह पाया और काबे पे अर्श मौला का जलाल अपने दिल में उतारा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह हर ईमान वाली आँख को ये पुरनूर और जिल जलाल मनाजिर देखना नसीब करे। आमीन।